नमस्कार, मैं हूँ जगदीश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ माय पैशन ये चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मतलब पेड़ के ऊपर हम पेड़ बनाने वाले हैं, जिसको एयर से हम उसे बंद करने वाले हैं। उसके बाद उस पर रूट आने वाली है, उस पर मिट्टी लगा के। तो कैसे करते हैं, तो ज़्यादा तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एयर लेयरिंग से फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीड से पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद उसको कम से कम 3 साल के बाद फूल आना चालू होते हैं, या फूल को तो ज़्यादा 6 महीने 1 साल के बाद ही फूल आना चालू होते हैं। पर जो फ्रूट के होते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसम्बी, लेमन वाले सभी पेड़, चीकू, एप्पल और गुआवा, ये सारे जो पेड़ होते हैं, ये सारे पेड़ पे हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। एयर लेयरिंग करने के बाद उसे हमारे घर के कुंडियों में लगा के हम उसे बचपन से, मतलब जब लगाया तब उसके 6 महीने के बाद से ही हम घर में फ्रूट ले सकते हैं और बहुत आसानी से इसे हम ग्रो कर सकते हैं। अभी आसानी से मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं, हम सबसे पहले आज करने वाले हैं एक फूल के प्लांट के ऊपर एयर लेयरिंग। अब फूल के प्लांट जो है, ये है, आप इसे पहचानती होगी, ये सदाफुली का पेड़ है। तो इसके ऊपर हम एयर लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग कैसे की जाती है, फिर एयर लेयरिंग होने के बाद रूट कैसी आती है, रूट आने के बाद उसका प्लांट कैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो डाल चुननी है, ज़्यादा मोटी भी ना हो, आपको दिखाई दे रही होगी, और ज़्यादा पतली भी ना हो, तो हमें मीडियम टाइप की ऐसी डाल लेनी है। डाल लेते समय देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर देखिए जो लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लाइनिंग्स मतलब होगी डाल की आइज़। तो आइज़ में से क्या होता है, रूटिंग निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऐसी डाल दिखनी है जिस पर आपको आइज़ दिखती है, मतलब इसके पहले पत्ता लगा हुआ होता है, पत्ता झड़ जाता है, उसके बाद जो टेक्चर बन जाता है लकड़ी के ऊपर, तो वहाँ से आपको एयर लेयरिंग की शुरुआत करनी है। तो एयर लेयरिंग के लिए देखिए, एक चक्कू ले लीजिए। चक्कू लेते समय आपको एक ध्यान देना है कि चक्कू को हद से ज़्यादा धार ना हो। तो और आपको एक ध्यान देना है कि चक्कू से एयर लेयरिंग करते में बहुत ध्यान देना है, और पूरा ध्यान आपका एक ही तरफ रहना चाहिए, या तो आपका हाथ कट सकता है, या अगर आप कर रहे हो, अगर छोटे बच्चे हो तो आपके पास आपके पेरेंट्स का होना ज़रूरी है जब आप चक्कू इस्तेमाल करते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये वाले डाल को चूज़ किया है एयर लेयरिंग करने के लिए। सबसे पहले देखिए, हम उसे इस तरह निशान कर लेते हैं, क्योंकि जो स्किन वाला पार्ट है, हमें थोड़ा सा इतना हमें स्किन वाला पार्ट निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए, उस पर एक ऐसी लाइन निकाल लीजिए हल्के से लाइन, देखिए बहुत धीरे करना है। लाइन निकालने के बाद देखिए, जो स्किन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वैसे निकाल लेना है। देखिए, जितने जगह हमने चक्कू लगाई है, उतने जगह आपको स्किन वाला पार्ट आसानी से निकल जाएगा। आप ये सारे फ्रूट्स पे भी इस्तेमाल, ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा इसके पहले मैंने लेमन पी इस्तेमाल की है, गुआवा पी इस्तेमाल की है, अब कुंडियों में बहुत आसानी से उतने समय पे और घर में मुझे लेमन भी मिल जाते हैं, गुआवा भी मिल जाता है। तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, यूज़ कीजिए। इसका जो कार्यकाल होता है जून से सितंबर का होता है। जून से सितंबर का इसलिए कि ये मानसून का महीना होता है। इसलिए देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि मानसून का महीना हमें इसलिए लेना है कि मौसम ठंडा होता है, ऊपर से पानी आते रहता है, ये डाल पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, इसकी वजह से इस पर रूट बहुत जल्दी आती है। और आप अगर समर में या कोई भी सीज़न में करते हो तो इस पर रूट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत धूप रहती है। और हमें ज़्यादा तो डाल ये चुनना है कि ज़्यादा एकदम जो है डाल, तो एकदम ऊपर की ना रहे, तो इस पर एकदम धूप भी ना लगे, तो हमें थोड़ा अंदर अंदर की भी डाल चुननी है। तो उसके बाद देखिए, हम इसे निकाल लेते हैं। और इसको आपको पूरे तरफ के जो छिलका है, जो स्किन जैसा पार्ट है, उसे निकाल लेना है। तो देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, चक्कू का उल्टा पार्ट लेना है। तो जो आपको जो चिकना चिकना पार्ट दिखाई दे रहा है, जिस पे जो ज़्यादा शाइन आ रही है,
तो आपको हल्के से निकाल लेना है, नहीं तो आपकी रूट इतनी अच्छी नहीं आएगी। हल्का सा, उसके बाद देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि देखिए किस तरह हमने पूरी तरफ से इसे निकाल लिया है और कितने अच्छी तरह से निकाल लिए। अब जो मैंने आइज़ वाले पार्ट दिखाते हैं, यहाँ से रूट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक एलोवेरा का टुकड़ा लेना है। एलोवेरा का जो टुकड़ा है ये काम क्या करता है, ये एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, रूट जल्दी लाने का काम करता है, इसलिए एलोवेरा लगाना ज़रूरी है। बाकी हमारे पास कुछ नहीं रहा तो भी चलता है, और एलोवेरा बहुत आसानी से सभी क्या रहता है। तो पूरी तरफ देखिए हम एलोवेरा बहुत अच्छे से लगा देते हैं। ओके तो आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि एलोवेरा हमने पूरी तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए इतना सा ही टुकड़ा हमें एलोवेरा का लगने वाला है। उसके बाद हम इस पर मिट्टी लगाने वाले हैं। मिट्टी लगाने के लिए देखिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि देखिए जो मिट्टी ले रहे हैं हम, एक तो इसमें हम कोकोपीट भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल के आपको देखिए इस तरह हल्की सी गीली होना चाहिए मिट्टी। हमें ज़्यादा नहीं, कम से कम इतनी मिट्टी का ही काम पड़ेगा, इतनी मिट्टी में हमारा एयर लेयरिंग हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसमें कोकोपीट भी मिलाया है, हल्का सा पानी मिलाया है, इसमें पानी टिका हो। अब देखिए हम इस पर लगाने वाले हैं, ये देखिए किस तरह लगाते हैं। लगाते समय में देखिए उसको थोड़ा सा अंगूठे से आपको थोड़ा फैला लेना है। फैलाने के बाद देखिए उसे इस तरह, और देखिए पूरी मिट्टी को एडजस्टमेंट कर लेना है आपको। कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए आपके एयर लेवल में। तो उसके बाद देखिए हम इस पर एक कैरी बैग लगानी पड़ेगी। कैरी बैग लगाते समय देखिए हम उसे ट्रांसपेरेंट रहे, ये चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वो इसलिए कि रूट कब आती है, कितनी बड़ी हो चुकी है, ये हमें ऑब्जर्व करते आना चाहिए और हमें समझना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है क्योंकि हमें सब दिखता है कि रूट कैसे आ रही है, कितनी बड़ी हो चुकी है, कितने दिन रहना चाहिए। तो देखिए हमें जो एयर लेयरिंग है कम से कम डेढ़ महीना रखना है, डेढ़ महीने में काफ़ी ज़्यादा रूटिंग इस पर आती है। तो उसके बाद देखिए हमें जो लेना है कैरी बैग, तो कैरी बैग देखो कैसे लेना है। देखिए हमने जो पन्नी लिया है ये कोई नया नहीं लाया है, इसका रिसाइकलिंग हम कर रहे हैं। हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उसको देखिए आपको काटना किस तरह है, उसको इस तरह काट के लंबी इसको स्केल की जैसे एक पट्टी बना लेना है जाड़ी से। ये भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट रहने के कारण हम इसमें से दिख जाएगा कि रूटिंग कैसे आ रही है। अब उसके बाद देखिए पन्नी ऐसे दिखने के बाद ऐसे लंबी पन्नी हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा मतलब पन्नी किस तरह हम काट सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हम पन्नी को ऐसे लगाते हैं, पन्नी को देखिए इस तरह घुमा लेते हैं पूरी तरह से। आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मट्टी सब तरफ लगी रहे, तो आपको पहले धीरे से पन्नी को घुमा लेना है, घुमाने के बाद देखिए अब उसको पक्का करते जाना है आपको। देखिए आपको इसमें से मट्टी भी दिखाई दे रही है, ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण तब हमें इसमें भी दिखाई देगा। अब आपको इस पर क्या करना है, एक तो थ्रेड भी आप इस पर बांध सकते हो, एक तो जो सुतली होती है ये भी आप बांध सकते हो, जैसे आप क्या जो है वो बांध सकते हो। ये बांधना हमें इसलिए है कि इसके अंदर गर्मी पैदा हो, और गर्मी की वजह से इसमें रूट बहुत अच्छे से और जल्दी आते हैं, इसलिए हम पन्नी तो बांध रहे हैं, पन्नी के साथ साथ इसमें हवा भी ना जाए, क्योंकि ऊपर की अगर हवा जाती है तो हमारा एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। देखिए हम इसके सबसे बड़े कॉर्नर पे हमने पुतली को अच्छे से बांध दिया है, ठीक है। बांधने के बाद देखिए हम उसे ऐसे ही घुमा लेते हैं उसके ऊपर, ये थोड़ा पक्का कर लेना है। देखिए
तो देखिए इतना होने के बाद देखिए अभी यहाँ से भी हवा नहीं घुस सकती है और यहाँ पे इससे भी हवा घुस नहीं सकती है। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगानी है, थोड़ी आसान नॉट लगानी है और जो बचा हुआ थ्रेड है उसे हम काट लेते हैं। तो इस तरह देखिए हमारी एयर लेडिंग होती है और एयर लेडिंग एक सक्सेसफुल ही होती है, पर अगर आप मानसून के महीनों में अगर इसे लगाते हो तो देखिए अभी हम मिलते हैं 45 डेज मतलब डेढ़ महीने के बाद। डेढ़ महीने पहले हमने जो एयर लेडिंग की है उस पर रूट कैसी आई है, उसका प्लांटेशन कैसा करना है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हम 45 डेज के बाद मिल रहे हैं। जब 45 डेज के पहले हमने एयर लेडिंग की थी तो 45 डेज के बाद ये हमारी रूट कैसे आती है और कैसे दिखाई देती है। देखिए इस पर जो रस्सी होती है वो धूप की वजह से या जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं इसकी वजह से निकल चुकी है। तो अब देखिए जो ट्रांसफर पन्नी थी इसमें से आपको दिखाई दे रही है रूट्स कैसी है। ओके अब इसमें हम देखिए निकाल लेते हैं आसानी से। निकालने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना कि ये निकालना नहीं है, पहले आपको देखिए जो रूट आई है रूट के बाद यहाँ से डाल को काट लेना है सीधी तरह से। एक तो ये मिलती है, एक तो आपके पास अगर सीजर होगी तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इस तरह हमने डाल को देखिए सीधा काट लिया है, जो एक्स्ट्रा निकला था इसे भी काट लिया है। अब देखिए इसे हम निकालते कैसे हैं। अब देखिए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, निकालने से पहले एक कैरी बैग लेनी है या कुंडी भी ले सकते हो स्टार्टिंग में। देखिए हमने जो कैरी बैग ली है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो किराने में आती है पन्नी, वो पन्नी हमने ली है। अब देखिए जो मट्टी है, मट्टी में हमने काफ़ी तरह से कोकोपीट डाला है, और कोकोपीट नहीं रहता तो अपन नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल भी लेते हैं तो भी चलेगा। पर उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ईंट होती है ईंट के टुकड़े कुछ कुछ आपको पन्नी के नीचे डाल देना है, मतलब जो पानी ऊपर बचेगा उसको खींचने के लिए ईंट के टुकड़े काम आते हैं। इतने छोटे छोटे कुछ कुछ ही ईंट के टुकड़े आपको डाल देने हैं। उसके बाद देखिए जो हमने सॉइल तैयार किया उसे हम इस तरह पन्नी में डाल देते हैं। इतनी जगह हम खाली रखते हैं हमारा एयर लेडिंग डालने के लिए। अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा एयर लेडिंग, तो इसकी हम पन्नी निकाल लेते हैं। वाव देखिए कितनी अच्छी रूट हमारी निकल चुकी है, कितनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा रूट हमारी निकल चुकी है, बहुत सक्सेसफुल हमारा ये प्लांट हुआ है। तो अभी देखिए इसे कुछ ना करते हुए डायरेक्ट हम इसमें लगा देना है, अगर चाहे तो अब जो एक्स्ट्रा डाल हो जिसकी वजह से इसका बैलेंस अगर जाता हो तब उसे निकाल सकते हो। देखिए ऐसा आपको अंदर लगा देना है और ऐसा लगाने के बाद देखिए इसके ऊपर आपको मिट्टी डाल देनी है। इस तरह हमारा ये प्लांट लग चुका है और रूट आने की वजह से अभी देखिए इसे इतने बचपन से फ्लावर आते जाएंगे। अब देखिए उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, कैरी बैग पे थोड़े होल गिरा देते हैं कि जितना पानी हमने देने की कोशिश की है बस उतना ही पानी उसे मिले और बाकी का पानी बाहर निकल जाए। इस तरह हमारा देखिए एयर लेडिंग
तैयार हो चुका है और इस तरह हम आसानी से हर फ्रूट के प्लांट पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं और हम कुंडियों के अंदर ही हम फ्रूट भी ले सकते हैं और बहुत आसानी से हम फ्रूट खा भी सकते हैं। थैंक यू।